दर्शन का एक और प्रकार था। 60 के दशक की शुरुआत में एक दिन बाबा जी अपने कमरे से बाहर आए और वह हनुमान की तरह लग रहे थे। मैंने कई भक्तों से सुना था कि बाबा जी हनुमान के अवतार थे, लेकिन दीदी और मुझे अभी भी संदेह था। अगले दिन महाराज जी ने दीदी से अपनी पीठ खुजलाने को कहा। उनको महाराज जी का शरीर इतना भारी, इतना बड़ा लगा कि कोशिश करते समय उनको उनकी पीठ पर अपना हाथ पहुँचाने के लिए वास्तव में पसीना आ गया था। 1968 में गर्मी के दिनों में दीदी कैंची नहीं गई, वह अपनी माँ के साथ इलाहाबाद में थी, इसलिए मैं अकेला आया। वह 15 जून के भंडारे का दिन था, जो आश्रम के उद्घाटन की सालगिरह थी। भोजन करने के बाद महाराज जी आश्रम में घूम घूम कर सभी गतिविधियों और आगंतुकों का हालचाल लेने लगे। इसके बाद वह नदी के किनारे गए और दीवार पर बैठ गए। उन्होंने उन्नाव के एक पुराने भक्त के बारे में बात की। वह बूढ़ा आदमी है, लेकिन लोग कहते हैं कि वह डकैतों का नेता था। अमीरों से पैसा लेता था और गरीबों में बांट देता था। उसने असहाय लोगों की रक्षा की। यद्यपि उसने शक्तिशाली लोगों को आतंकित किया, वह 2 रिवॉल्वर रखता था, एक लाइसेंसी, दूसरी बिना लाइसेंस वाली। मैंने उससे कहा कि उसे एक सरेंडर करना चाहिए। उन्होंने रामायण बहुत अच्छी पढ़ी, वह इसे मेरे लिए पढ़ा करते थे। फिर ICA तिवारी, एक वृद्ध भक्त जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ने कहा, यह वही व्यक्ति है जिसे बाबा जी ने एक बार रामायण पढ़ने के लिए कहा था। जब उन्होंने पूछा, बाबा मैं कहाँ से पढ़ूं, तो बाबा ने कहा, उस हिस्से से पढ़ो जहाँ मैं विभीषण से बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम घूम रहे थे तो बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब वे ऐसा करते थे तो कभी कभी मुझ पर भारी दबाव पड़ता था कि मुझे लगता था कि मेरा हाथ टूट जाएगा। वे मुझ पर इतनी ज़ोर से झुके हुए थे कि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं गिर गया तो वे भी गिर जाएंगे। दोपहर का समय था और हम मंदिर के सामने आए जहाँ बहुत से लोग बैठे थे। बाबा जी शिव मंदिर के सामने बैठ गए। मेरा हाथ उनके हाथ में बंद हो गया। उन्होंने कहा, बैठो 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 बैठो। मैं खुद को छुड़ाना चाहता था लेकिन छुड़ा नहीं सका। वहाँ बहुत से लोग बैठे थे जिन्हें मैं जानता था, जिनमें वृंदावन बाबा, बूढ़े हरिया खान बाबा के उत्तराधिकारी और कई अन्य लोग शामिल थे। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरा दम घुट रहा हो, मानो मेरी सांसें थम रही हो। मेरा हाथ उनकी पकड़ में इतना मजबूत था कि छूटने का सवाल ही नहीं था। तभी मैंने देखा, बाबा जी नहीं बल्कि एक विशाल बंदर बैठा था। पूरे शरीर में लंबे सुनहरे बाल, चेहरा काला, पूंछ पैरों के नीचे दबी हुई थी। मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें देखा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। उस रात 10 बजे मैंने अपने आप को खेत के किनारे अकेला बैठा हुआ पाया। चाय की दुकान से पूर्ण आनंद आए और बोले, दादा आप यहाँ हैं, हम पूरी शाम आपको ढूंढते रहे। वह मुझे वापस आश्रम ले गए। कहने की बात यही है कि मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। चमत्कार देखने के लिए आपकी आंखों में भी इतनी शक्ति, इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि आप उस चमत्कार को देख पाओ। साक्षात साक्षात इस कलयुग में अगर आपको हनुमान जी से काफ़ी अत्यधिक प्रेम है, भक्ति है, और अगर आप देखना चाहते हैं उनके साक्षात प्रमाण, तो आपको नीम करौली बाबा को ज़रूर स्मरण करना होगा। सिर्फ स्मरण मात्र से ही, सिर्फ स्मरण मात्र से ही आप उनके स्वरूप को, तो क्या उनके द्वारा किए गए उन कार्यों को भी महसूस कर पाएंगे जो आज तक हर कोई कर पा रहा है। कहते हैं ना कि पत्थर में भगवान होते हैं, कहते हैं, सही बात है, पर हर पत्थर में भगवान नहीं होते। इसीलिए पत्थरों की पूजा भी तभी की जाती है जब उनको हम मानते हैं कि हाँ, यहाँ पर भगवान हैं, यहाँ पर हमारे प्रभु हैं जो विराजमान हैं, जो हमारी बात सुनेंगे। इसीलिए 15 जून का समय तो आने वाला ही है, ये जून का महीना ही चल रहा है। इतना पावन महीना, इतना पावन पवित्र ये जो समय चल रहा है, इस समय में हमें नीम करौली बाबा जी का जितना हो सके स्मरण करना चाहिए। जीवन में ऐसा कोई भी समय नहीं है जहाँ पे कठिनाई, दुख ना हो, लेकिन उन दुखों को काटना, उन दुखों को भोगना ही एक जीवन का कर्तव्य बन जाता है। तो जय नीम करौली बाबा, जितना हो सके आपको अपनी भक्ति का समर्पण करना होगा, जितना हो सके आपको अपने मन में अपने ईश्वर को बिठाना होगा और उनसे एक होना होगा। जय हनुमान।